नमस्कार, न्यूज फाउंडेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राजमोहन सिंह। केरल से चलकर दानापुर पहुंच चुकी है एक ट्रेन जो बिहारियों को लेकर आई है, और जो ऐलान किया गया आज मुख्यमंत्री की तरफ से कि टिकट के पैसे नहीं लिए जाएंगे, वो बताइए आपसे टिकट के पैसे लिए गए हैं? टिकट का 910 रुपया लिया है सर, टिकट का। खाना मांग रहे हैं पानी, तो पुलिस बोल रहा है ऐसा लक्षण होना चाहिए ट्रेन में। आज मुख्यमंत्री ने ऐलान किया है, बिहार के मुख्यमंत्री ने कहा है कि आपको पैसे मिलेंगे। पैसा 910 रुपया हम लोग के पास लिया है, मुहैया नहीं है। टिकट का पैसा लिया है, टिकट में लिखा है फूटी कोड़ी मुहे नहीं था, बैठ के खाया। खाना पीना कुछ नहीं है, सरकार के तरफ से हम लोग का कोई सुविधा नहीं है। एक दिन में एक बोतल पानी मिलेगा तो थोड़ी एक दिन में एक बोतल कब चली थी? परसों रात का चला है। तीन बोतल पानी दिया है, उसमें आपका पेट भर जाएगा। तीन बोतल पानी में बाहर का पानी तो पीने के लिए नहीं देता। दो दिन दो रात सर, क्या करेगा सर? दो दिन दो रात और पैसा नहीं था, दो महीने से बैठ के खा के आए सर। आदमी को छुट्टियां समझ लिया है सरकार, और कुछ नहीं है। आपके अकाउंट में जो 1000 रुपए पहुंचाने की बात कर रहे हैं नीतीश जी, मिला क्या? नहीं मिला है। हम लोग को उतना जानकारी नहीं है सर, हम लोग को ठीक है लिया है अकाउंट नंबर, लेकिन नहीं दिया है। वो हम लोग को जो वापस लोडिंग करने के लिए बोला था वो करिए थे, लेकिन वो टाइम फेल हो गया था। 30 तारीख तक का टाइम दिया था, वो नहीं हुआ। हम लोग को कुछ भी नहीं मिला सर। मिलता तो झूठ बात नहीं है, लेकिन टिकट में लिखा है 910 रुपया। सरकार ये बोल रही है कि अभी आपको जब ब्लॉक लेवल पर आप पहुंचेंगे, अपने घर पहुंचेंगे, वहां ब्लॉक लेवल पे आपको क्वारंटीन किया जाएगा और आपके पैसे जो है आपको वापस किए जाएंगे, साथ ही साथ और भी 1000 रुपए तक दिया सर वापस कर देंगे। लेकिन अभी कर्जा उठा के घर आ रहे थे, ये सरकार मुहैया नहीं कर सकते थे पहले कि पैसा नहीं लेंगे? कर्जा करके आदमी आ रहे हैं उस टाइम, अभी बोल रहे हैं कि उसका कौन देगा? सरकार दे सकता है पैसा? जब मेरा सरकार नहीं देगा, हम उसका जानता है, तो क्या दूसरे सरकार हम लोग को कैसे वो देंगे वो सर? बताइए पहले उनका हम लोग कौन लगते हैं? जब हमारा जो सरकार है देश का, आप केरला में फंसे हुए थे, हाँ, वहाँ की सरकार ने आपके एक मुट्ठी चावल है यार, एक किलो दाल आलू, ये सब में पेट भर जाएगा? कोई नहीं देता है, वो सरकार देता है लेकिन वो प्रशासन खा जाता है। प्रशासन नहीं देता, सरकार देता है, प्रशासन नहीं देता है जी। तो यही हाल है बिहार से, बिहारी जो लौट तो आए हैं, लेकिन शिकायत जो है उनकी, उनके उनका तो केरला का सरकार जितना मदद किया, हमारा देश का सरकार उतना मदद हम लोग को नहीं किया। हम लोग जितना भूखा प्यासा परेशान होकर दो महीना बैठ के आ रहे सर। केरला का मुख्यमंत्री अच्छा है, जो हम लोग का पॉकेट खर्चा था सर 10-20 रुपया, वो हम लोग जुगाड़ करके और ऊपर से पैसा वहाँ कर्जा ले करके सर आ रहे हैं हम लोग अपना देश, अपना गाँव और अपना कर्जा कौन चुका? मेरा सरकार मेरा जनता है कहेंगे सर क्या हम लोग वोटर नहीं है? हम लोग बिना वोटर है, हमारा उम्र नहीं है वोट लगा। जी हाँ, तो सवाल है कि क्या हम वोटर नहीं है? ये बिल्कुल वाजिब सवाल जो है। ये बिहारी जो बाहर फंसे हुए थे लॉकडाउन की वजह से, जब वापस अपने घर लौट रहे हैं, तब ये पूछ रहे हैं कि आखिर उनकी सरकार ने उनके लिए किया क्या, जब उनसे ट्रेन का भाड़ा भी वसूल लिया गया और रास्ते में उनके खाने और पीने तक की व्यवस्था नहीं की गई। तमाम जो मुश्किलें हैं इन 40 दिनों में लॉकडाउन के बीच उन्होंने काटी है, वहाँ पर जो 40 दिन उन्होंने गुजारे हैं वो बेहद मुश्किल भरे रहे हैं, और उसके बाद ये चुनौती भरा सफ़र पूरा करके पहुँचे हैं, और इस पर भी इनसे किराया वसूला गया है। हालांकि आज बिहार के मुख्यमंत्री ने ऐलान किया है कि किसी भी कामगार से, किसी भी छात्र से जो बिहार से बाहर से आदमी आ रहा है, बिहार के जो लोग हैं उनसे पैसा नहीं लिया जाएगा, उनको और पैसा दिया जाएगा। बिहार की सरकार जनता के हित में काम करती है, लेकिन जनता के हित की बात जो है वो सामने आ जा रही है इनके बयानों से। इनका दर्द जो है वो आपने सुना, किस तरीके से ये लोग परेशान हैं और सरकार पर आरोप लगा रहे हैं और कह रहे हैं, पूछ रहे हैं सवाल कि क्या हम वोटर नहीं हैं। तो फिलहाल बने रहें न्यूज़ फाउंडेशन के साथ। नमस्कार।